हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ मिथिलेश, एंड टुडे विल टॉक अबाउट डेटा टाइप एंड वेरिएबल इन गो। सो गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं, वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। ठीक है गाइस, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले जो, ठीक है, जब आप उसमें कोडिंग करते हो तो आप आपका वेरिएबल यूज करते हो। ठीक है, वहाँ पर हम वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज देते हैं सो दैट वी कैन यूज फॉर द इन आर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो गाइस जो तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लाइक वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल का हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कैर हो सकता है, बुलियन हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स तुम्हारा प्रोग्राम का यूज केस क्या है, तुम किस यूज केस से तुम अपना कोड यूज लिख रहे हो। ठीक है गाइस, तो सिमिलरली गाइस हमें ये चीज गो में भी यूज करनी होती है। ठीक है, गो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस, तो हम यहाँ पे भी जब डेटा टाइप्स यहाँ पे लिख यूज करते हैं अपने वेरिएबल को बनाने के लिए, तो यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ता है कि तुम्हारा जो वेरिएबल है किस टाइप का है। ठीक है गाइस, तो अगर आप पाइथन बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो पाइथन में गाइस डेटा टाइप इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज गाइस, वो खुद ही समझ जाती है कि तुमने उसको वेरिएबल जो दिया वो किस टाइप का है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1 2 3, तो पाइथन ये चीज़ इजीली समझ जाएगी कि ये इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक, तो ये चीज़ उसको इजीली समझ में आ जाएगा गाइज कि ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि पाइथन इज अ डायनेमिकली लैंग्वेज गाइज। ठीक है, डायनेमिक लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप्ड है प्रॉपरली वो, तो उसको ये चीज़ इजीली समझ में आ जाती है कि तुमने यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है वो किस टाइप का है। ठीक है, बट यही सेम चीज़ अगर मैं सी सी प्लस या जावा में करना चाहूँ, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ता है कि तुम्हारा डेटा टाइप क्या है, देन यू कैन यूज योर वेरिएबल नेम। ठीक है, तो तुम देख सकते हो गाइज, मैंने यहाँ पे इंट लिखा है, दिस इज माई डेटा टाइप, एंड यहाँ पे मेरा ए जो है वो है वेरिएबल नेम। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट गाइज, लाइक कभी कभी लैंग्वेज चीज़ें वेरी करती है। तो गाइज अगर आप पाइथन बैकग्राउंड से हो तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी नई होगी। ठीक है, बट अगर आप सी सी प्लस प्लस या जावा से हो तो ये गाइज आपके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है गाइज, सो लेट्स राइट सम पीस ऑफ कोड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन मोर अबाउट गो। ठीक है गाइज, की गो में ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट सम पीस ऑफ कोड फॉर यू गाइज। ओके, सो गाइज जब भी तुम गो में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो यू हैव टू बी यूज लाइक वॉर, एंड देन यू हैव टू बी यूज द नेम ऑफ योर वेरिएबल। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए, एंड देन यू हैव टू बी डिसाइड कि उसका डेटा टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट। ठीक है गाइज, तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ए के लिए एरर दे रहा है, राइट? रीजन है गाइज कि मैंने अभी तक इस ए को कहीं यूज नहीं किया। तो गाइज गो में ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर तुमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसको यूज नहीं किया कहीं पे, तो वो तुम्हें एरर देता है। इट शोज कि तुमने इसको यूज तो किया बट कहीं डिक्लेयर तो किया बट यूज नहीं किया। यू गाइज कैन सी दिस एरर, ओके, ए डिक्लेयर बट नॉट यूज। ठीक है, तो सिमिलरली गाइज ये वेरिएबल के साथ तो होता ही होता है, ये इम्पोर्ट के साथ भी होता है गाइज, सो आई विल शो यू दैट एज वेल गाइज। तो अगर आप मैं देखो यहाँ पे एक इम्पोर्ट करता हूँ मेरा FMT, ठीक है, यहाँ पे मैंने FMT यूज़ किया। ठीक है, FMT इज़ नथिंग बट अ फॉर्मेटिंग पैकेज गाइज। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अभी तुम देखो इसके लिए भी एरर शो कर रहा है, एंड तुम पढ़ सकते हो कि इम्पोर्ट बट नॉट यूज्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने कोड में इसको कहीं यूज़ नहीं किया है। ठीक है, और गाइज अभी मैं जब इसको सेव करूँगा तो ये चीज़ अपने आप यहाँ से निकल भी जाएगी, यू गाइज कैन सी। ठीक है, द रीज़न गाइज कि मैंने इसका गो का प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है मेरे VS Code में। ओके, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा गाइज कि अगर आप गो यूज़ करो VS Code के साथ तो प्लीज़ इसका प्लगइन रखो, इट्स रियली यूजफुल। ठीक है, तो गाइज अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का एरर दे रहा है, तो इस एरर को हटा देते हैं गाइज पहले। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं प्रिंट LN, एंड यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ ए। ठीक है, तो गाइज अभी ये एरर हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और आप देख सकते हो कि इसने FMT का पैकेज भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया बिकॉज आई एम यूजिंग। ओके, क्योंकि गाइज प्लगइन है, इसको ऑटोमेटिकली चीज़ समझ में आ रही है कि मैंने इसको यूज़ किया, तो एडवेल इंपोर्ट ऑटोमेटिकली। ओके, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइज देखो यहाँ पे इसने चीज़ को इंपोर्ट कर लिया। अब तुम बोलोगे कि तुमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया पर तुमने इसको इनिशियलाइज़ तो किया ही नहीं है, राइट गाइज? मैंने इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया, बट अकॉर्डिंग टू गोलैंग अगर तुमने इसका टाइप यहाँ पे बता दिया है कि इंटीजर है, तो ये बाय डिफॉल्ट तुम्हें इसके लिए वैल्यू जीरो दिखाएगा। ठीक है, मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ गाइज तुम्हें। सिमिलरली गाइज अगर ये मैं वेरिएबल अगर स्ट्रिंग के लिए भी डिफाइन करता था, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए लेता था, फ्लोट के लिए लेता था, डबल के लिए, तो वो उस हिसाब से उसका जो डिफॉल्ट डेटा वैल्यू होती थी, इनिशियल वैल्यू, वो तुम्हें दिखा देगा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो इसने मुझे आउटपुट दिया जीरो। ठीक है, इंट के लिए उसने बाय डिफॉल्ट मुझे जीरो दिया। अब अगर गाइज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया नेम, और गाइज अब मैं यहाँ पे कमा डाल के नेम यूज करता हूँ। ठीक है, ये तो गाइज हम एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को ये चीज़ दिखेगी नहीं इसमें क्या हुआ है, नहीं तो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, यहाँ पे भी डाल देता हूँ। तो गाइज बेसिकली नेम जो है मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये फिलहाल अभी इसको एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट में जब मैं इसको रन करूंगा गाइज, तो यू गाइज कैन सी जीरो स्पेस जीरो दिखेगा तुम्हें।
ठीक है, तो यू गाइस कैन सी यहाँ पे देखो स्पेस आया है। ठीक है, तो गाइस ये गो का डिफॉल्ट नेचर है कि अगर तुमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको तुमने अगर वैल्यू इनिशलाइज नहीं की है तो वो ऑटोमेटिकली उसको एम्प्टी ले लेगा। अगर वो स्ट्रिंग है, अगर उसको तुमने इंट डिक्लेयर किया डेटा टाइप में तो भी वो उसको जीरो ले लेता है गाइस। ठीक है, तो ये इसका डिफॉल्ट नेचर है गाइस, ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि अगर तुमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको यूज नहीं किया है तो मुझे क्या चीज़ प्रिंट करनी है उसके लिए। ठीक है, सिमिलरली गाइस तुम फ्लोट भी डिक्लेयर करोगे तो वो जीरो दिखा देगा तुम्हें। ठीक है, अब गाइस जब हम पैकेज यहाँ पे जब डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो गोस की जो गो लैंग है गाइस उसका कुछ सेट ऑफ रूल्स है, तुम किस टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा वेरिएबल नेम कैसा होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं ये आपको बता देता हूँ। सो दीज आर द वैलिड सिंटेक्स गाइस। ठीक है, तुम इस तरीके से अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, लाइक यहाँ पे तो मैं चाहिए तो मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, लाइक फर्स्ट नेम। ठीक है, तुम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो गाइस, दिस इज़ पॉसिबल। ठीक है, ये चीज़ चल जाएगी गाइस। दिस इज़ ऑल्सो वर्क्स, दिस इज़ ऑल्सो वर्क, दिस इज़ ऑल्सो वर्क। ठीक है गाइस, ये केस सेंसिटिव है, तो गाइस ये देखो यहाँ पे नेम जो मैंने लिखा अलग है, यहाँ पे मैंने जो नेम लिखा है ये अलग है। तो गाइस गो इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज एज वेल, तो तुम्हारा ये दो जो वेरिएबल है दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ हम किस तरह के वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, तो गाइस तुम अपने वेरिएबल में स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं डाल सकते। यू गाइज कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर। यू गाइज कैन सी यहाँ पे मैंने प्लस लगाया है, यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश, देन यहाँ पे मैंने डैश यूज किया है, हाइफन, देन बैक स्लैश, एंड देन गाइज यहाँ पे तुम देखो ये चीज़ भी अलाउ नहीं है, तुम किसी वेरिएबल के बीच में स्पेसिंग नहीं कर सकते गाइज, यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं है। ठीक है, तो गाइज जब अपने तुम गो में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो मेक श्योर तुम ऐसा कोई वेरिएबल नेम डिक्लेयर ना करो। ठीक है गाइज, दीज आर द वैलिड सिंटैक्स, यू गाइज कैन गो फॉर इट। ओके ठीक है गाइज, तो अभी हम आते हैं अपने वापस कोड पे। ओके तो गाइस यहाँ पे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसका टाइप भी कैसे चेक कर सकते हैं, तो आई विल शो यू दैट एज वेल। तो मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, FMT प्रिंट कर लेते हैं गाइस, प्रिंट एफ। तो गाइस यहाँ पे मैं प्रिंट एफ यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि उसका डेटा का टाइप क्या है जो भी हमने यहाँ पे इनिशलाइज किया। तो गाइस देखो मैंने वहाँ पे नेम लिखा है और मैं इसको बताऊंगा कि मुझे इसका टाइप बताओ क्या है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो मैंने कैपिटल टी यूज़ किया है, इट विल टेल मी द टाइप ओके ऑफ दिस नेम वेरिएबल। ठीक है, तो गाइज इसको रन कर लेते हैं। ओके सो गाइज यू कैन सी यहाँ पे उसने मुझे दे दिया कि इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो तुम ये आराम से चेक कर सकते हो कि तुम्हारा ये जो वेरिएबल हो किस टाइप का यूजिंग टी। ओके सो ये चीज़ यहाँ पे होगी गाइज। अगर तुम्हें टाइप देखने का कुछ और भी तरीका है गाइज तो येस देर इज अनदर वे, यू गाइज कैन यूज रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट डॉट टाइप ऑफ, ठीक है गाइज, तो यहाँ पे तुम्हें देना पड़ेगा नेम। ठीक है, तो गाइज ये चीज़ देखो अभी हमें यहाँ पे जो ये यूज करो रिफ्लेक्ट टाइप ऑफ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नाउ आई कैन यूज एलन। ठीक है गाइस, तो प्रिंट एलन फॉर न्यू लाइन एंड एफ फॉर फॉर्मेटिंग। जो मैंने एफ पहले यहाँ पे मैंने जो एफ लिया था गाइस, तो यहाँ पे मैंने उसका टाइप लिया था लाइक मॉडुलो टी। ठीक है गाइस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एफ यूज़ किया था फॉर्मेटिंग। नाउ आई डोंट रिक्वायर टाइप हियर बिकॉज मैं ऑलरेडी रिफ्लेक्ट का पैकेज यूज़ कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे, तो ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो मैं यहाँ पे एलन कर रहा हूँ सो डेट इट विल प्रिंट द आउटपुट ऑन द नेक्स्ट लाइन। ठीक है गाइस, तो इसको वापस एक बार रन कर लेते हैं, लेट मी क्लियर इट। ठीक है गाइस, तो आफ्टर यूजिंग दिस इट विल ऑल्सो शो मी द टाइप, लेट सी। सो यू गाइज कैन सी यहाँ पे कि उसने मुझे टाइप बता दिया है, अगेन इट इज शोइंग मी इट्स अ स्ट्रिंग। ठीक है गाइज, सो दिस इज अ वे यू कैन डिक्लेयर योर वेरिएबल। नाउ यू कैन इनिशलाइज द वेरिएबल एज वेल लाइक माइक। ठीक है गाइज, दिस इज अ वैलिड सिंटैक्स, यू गाइज कैन डू इट। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसका आउटपुट भी तुम्हें दिखा देता हूँ गाइज। यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं नेम। ठीक है, तो गाइज तुम देख सकते हो कि यहाँ पे उसने माइक प्रिंट करके मुझे दे दिया है। ठीक है, सो दिस इज वन वे गाइज यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल। ओके नाउ यहाँ पे अलग भी तरीका है गाइज, यू कैन डिक्लेयर इन दिस वे एज वेल। ठीक है गाइज, तो इसको भी रन कर लेते हैं यहाँ पे। सो यू गाइज कैन सी ये भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं तुम वेरिएबल डिक्लेरेशन ऐसा कर सकते हो। ठीक है, नाउ गाइज जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, जो तुम बोलोगे कि कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है तुम्हारे लिए, या कहीं ना कहीं जो पाइथन बैकग्राउंड से लोग हैं उनको ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी यहाँ पे। ठीक है गाइज, सो दिस इज वन वे वी कैन इनिशलाइज द वेरिएबल। नाउ द अदर वे इज
Like if I want to declare any variable without typing the var, okay, can I do that? The answer is yes guys, we can do that. अभी मैं यहाँ पे एक और नेम ले रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम यूजिंग कोलन इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे मैं उसको देता हूँ काइम, ठीक है. तो हम इसको अभी गाइज यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सो डैट द एरर विल बी गो आउट. ओके सो एरर चला गया गाइज, तुम देख सकते हो, ठीक है. तो गाइज ये देखो अभी ये चीज़ चलेगी कि नहीं, लेट मी शो यू दिस एज वेल गाइज. सो यू गाइज कैन सी कि ये चीज़ चल गई है. यहाँ पे देखो उसने मुझे माइक दिया है पहले वाले के लिए और दूसरे के लिए उसने मुझे काइम दिया है, ठीक है. ना यू गाइज सी कि यहाँ पे तो मैंने वेयर यूज़ ही नहीं किया, देन हाउ इट वर्क्स. सो गाइज जब तुम गो में कोलन इक्वल्स टू यूज़ करते हो तो इट विल स्टार्ट इन्फरिंग, ठीक है. तो यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल नेम है नेम, इसको ये चीज़ इन्फर करने लग जाता है गो कि यहाँ पे जो तुमने वैल्यू उसको दी है वो किस टाइप की है, ठीक है गाइज. तो यहाँ पे देखो ये मुझे बता रहा है कि अरे ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है, बिकॉज आई यूज्ड कोट्स, तो ये स्ट्रिंग है गाइज, ठीक है. तो गाइज चाहिए तो हम इसका टाइप भी देख लेते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट यूज कर लेते हैं गाइड. तो गाइज कमेंट कर लेते हैं फिलहाल. ठीक है, लेट मी रन द कोड. सो यू गाइज कैन सी कि ये भी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, ठीक है गाइज. अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3, ओके, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. सो यू गाइज कैन सी इसने ये देख लिया कि ये इंटीजर है, ठीक है. तो गाइज जब गो में तुम कोलन इक्वल्स टू लेते हो और उसके बाद जब भी तुम वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा वेरिएबल है यहाँ पे ये चीज इन्फरिंग शुरू हो जाती है. यहाँ पे वो वेरिएबल के लिए इन्फरिंग करता है कि जो तुमने यहाँ पे वैल्यू उसको दी है वो किस टाइप की है, एंड ऑटोमेटिकली गाइज यहाँ पे वो वैल्यूज को इनिशलाइज हो जाती है. एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पे 1 2 3 किया है तो ये जो मेरा नेम पहले स्ट्रिंग में था, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप इसको बताया भी नहीं है और मैंने वॉर यूज नहीं किया, बट स्टिल मेरा प्रोग्राम ये चीज़ इजिली समझ पा रहा है कि ये जो है ये एक इंटीजर है, ठीक है गाइज. सो दिस इज ऑल्सो एडवांटेज ऑफ गो लैंग. तो अगर आप पाइथन बैकग्राउंड से हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी गाइज कि आपको यहाँ पे डेटा टाइप बताना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि गो ये चीज़ अपने आप इन्फर कर लेता है, उसको ये चीज़ समझ जाती है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है गाइज. सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.